सो हेलो दोस्तों, एक प्रोफेशनल नियॉन फायर स्मोक वीडियो बनाने के लिए सिंपली आपको पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट दिख रहा है ठीक है, आपको यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपली आपको ए वाले सिंबल पर क्लिक करना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आएंगे, देन आपको प्लस प्लस वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद देन आपको यहाँ से बगल में एडिट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। आपको यहाँ पे अपने चैनल या अपने यूट्यूब चैनल या तो अपने टेलीग्राम पेज या फेसबुक पेज, जिसका भी आपको लिखना है, सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इसको स्क्रॉल करते हुए इधर आना है। आपको रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको सेंटर वाला ऑप्शन दोनों चूज करना है। ओके पे क्लिक करेंगे, पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इसको बढ़ाएंगे, इसको दो बार टाइप करेंगे ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए इधर आएंगे फ्रंट वाले ऑप्शन में ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फंड जो चूज करना हो अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। मैं ब्लॉगर सेंस बोल्ड वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो ये भी चूज कर लेना। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से सेटिंग वाला ऑप्शन बीच में दिख रहा है ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से इस PNG को सिलेक्ट कर लेना है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपको ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ के छोटा कर लेंगे ठीक है, कुछ इस तरह से छोटा करेंगे, फंड के हिसाब से आपको कर लेना ठीक है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करते हुए इधर आएंगे, रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे, पोजीशन वाले ऑप्शन पर आएंगे, आपको इस कुछ इस तरह से आपको बढ़ा के खिसका के इसको इधर लाना है ठीक है, कुछ इस तरह से। अब उसके बाद आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, अपने हिसाब से फिट कर लेना है ठीक है, कुछ इस तरह से। फिट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर से एक बार, आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोनों को मर्ज कर देना है ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फिर सीधा स्क्रॉल करते हुए आना। आपको यहाँ से स्टॉक वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे। देन आपको कलर यहाँ से ब्लैक चूज कर लेना है, देन उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे ठीक है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करेंगे तो PNG क्रिएट हो जाएगा। इसको सेव करने के लिए सिंपली आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन उसके बाद सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे, सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे, फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपको BN एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको पहली बार प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से उस फायर स्मोक वाली इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इफेक्ट, आप डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से। उसके बाद आपको यहाँ से ओवरले वाले यानी मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपको वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर टैप करना है। आपको यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपने PNG क्रिएट किया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसको स्क्रॉल करेंगे इधर तो आपको यहाँ पे फिल वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली इसको पकड़ के थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस पर इस तरह कुछ इधर थोड़ा इतना खिसका लेंगे। उसके बाद आपको फिर स्क्रॉल करते हुए इधर आएंगे, आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, देन आपको लाइटन वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे, देन ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहीं मास्क वाला ऑप्शन दिखेगा ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ लाइनियर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है कुछ इस तरह से ठीक है, इस तरह पकड़ के दोनों उंगली से इस तरह कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ इस तरह से बढ़ा के ले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप ध्यान से देखना, आपको यहाँ से इसको स्क्रॉल करते हुए ले जाना है 0.40 तक ठीक है, 0.40 तक ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से की फ्रेम वाले ऑप्शन पे एक बार प्लस का आइकन दे देना है ठीक है, देन आपको उसके बाद यहाँ से 10 सेकंड आगे जाना है, 10 सेकंड आएंगे ठीक है, 40 है, 50 पे आएंगे, फिर से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा घुसका देना है ठीक है, फिर 10 सेकंड आएंगे आगे, फिर थोड़ा सा खिसका देंगे, कुछ इसी तरह से आपको पूरी वीडियो में इसी तरह से आपको करते रहना है। तो कुछ इस तरह से कर लेने के बाद सिंपली आपको वीडियो के लास्ट में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ से पूरा हटा देना है, देन आपको यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली ये लास्ट में जो है इसको क्या करना है, आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से प्ले करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का शो हो रहा होगा। उसके लिए आपको फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे कोने में दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे,
देन स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको वही वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे टैप करेंगे, इससे आपका कलर चेंज हो जाएगा। सो वीडियो रेडी हो चुकी थी। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कोने में। उसके बाद आपको यहाँ से जो FPS सिलेक्ट कर लेना है, रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना है, देन ओके, यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे, वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।